सावन में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल इस दिन कई शुभ योग का संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का सही समय कब से कब तक रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी का रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। बहनें चाहे छोटी हों या बड़ी, भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। भाई बहन के अटूट प्यार और उल्लास से भरा यह पर्व इस साल कब मनाया जाएगा, आइए जानते हैं। इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त, सही समय और भद्राकाल कब से कब तक रहेगा। रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। इस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी पड़ रहा है और रक्षाबंधन के साथ सावन सोमवार के कई शुभ योग भी बन रहे हैं। हालांकि इस बार सावन माह की पूर्णिमा पर भद्रा का साया है, ऐसे में रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा भी रहेगी, इसलिए भद्राकाल का समय और शुभ मुहूर्त जानना आवश्यक है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भद्रा के समय में शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। 18 अगस्त 2024 की रात 2:21 पर भद्रा की शुरुआत होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2024 को दोपहर में 1:24 पर होगा। इस समय के दौरान राखी बांधने के लिए शुभ समय नहीं है, इसके बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांधी जा सकती है। सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:44 पर शुरू होगी और उसी दिन देर रात 11:54 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को रक्षाबंधन मनाई जाएगी। हालांकि इस दिन भद्रा का साया रहेगा और भद्रा योग के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:26 से शाम 6:25 तक रहेगा। सावन मास की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सुबह से लेकर रात 8:40 तक सर्वार्थ सिद्ध योग बना रहेगा। इसके साथ ही रक्षाबंधन पर शोभन योग का भी निर्माण होगा जो 20 अगस्त को दोपहर 12:47 तक रहेगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है जो 20 अगस्त को सुबह 5:45 तक रहेगा। इन योगों में शुभ कार्य करने पर हर मनोकामना पूरी होती है। सावन पूर्णिमा पर राखी बांधने का सही समय दोपहर 1:32 से लेकर 4:20 तक है। इसके बाद प्रदोष काल में शाम 6:56 से लेकर 9:08 तक है। इन दोनों समय में अपनी सुविधा अनुसार बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भाई और बहन को सुबह स्नान करना चाहिए, इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहने, फिर घर के मंदिर में दीपक जलाकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं। भगवान की आराधना के बाद राखी बांधने की थाली लेकर मंदिर में भगवान को समर्पित करें। राखी की थाली में आपको राखी, कुमकुम, अक्षत, नारियल, सिर पर रखने के लिए छोटा सा रुमाल, घी का दीपक, एक कलश, सुपारी, कलावा, दही और मिठाई रखनी होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने सबसे पहले श्री कृष्ण को राखी बांधी थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कट गई थी। यह देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर उनकी चोट पर बांध दिया था। उस समय भगवान कृष्ण ने हमेशा द्रौपदी की रक्षा करने का वादा किया था। जब द्रौपदी को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपना यह वादा पूरा किया था।